एक्सट्रीम फाइबर को मैं पिछले 3 साल से यूज करा हूँ। मैंने इसका 100 Mbps वाला प्लान और 40 Mbps वाला प्लान दोनों ही यूज किया है। और मैं पिछले 2.5 साल से इसका जो 40 Mbps वाला मंथली प्लान है वो ही यूज कर रहा हूँ, जो कि आपको 499 में मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस, इसके बेनिफिट क्या है, इसके चार्जेस क्या है, इसमें क्या आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, स्पीड कितनी आने वाली है, कितने यूजर कनेक्ट कर पाएंगे, या 5G सिम आपको लेनी चाहिए या फिर आपको जियो फाइबर के साथ जाना चाहिए। तो इसका पूरा कंप्लीट 3 साल का रिव्यू इसके मंथली प्लान का इस वीडियो में देखने को मिलेगा। फर्स्ट चार्जेस, सबसे पहले बात करेंगे हम इसके चार्जेस के बारे में। अगर मैं इसके प्लान की बात करूँ तो ये आपको 499 का मंथली प्लान मिलेगा, बट ये जितना दिख रहा है उतना नहीं है। अगर आप इसके अंदर 18% GST और ऐड कर दोगे तो इसका फाइनल प्राइस आपके सामने आ जाएगा, यानी कि जो 499 का प्लान है इसका फाइनल प्राइस होने वाला है 589 रुपीज। और ऐसा सारे प्लान के साथ होने वाला है। जितने भी प्लान आपको वेबसाइट में देखने को मिले हैं उनमें आपको एक्स्ट्रा 18% जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका फाइनल प्राइस आने वाला है, जो कि थोड़ा सा महंगा हो जाता है। अगर हम इसके इंस्टॉलेशन की बात करें तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ गई है, पहले काफी ज्यादा कम थी बट अब इसको बढ़ा दिया गया है। अगर आप इसका इंस्टॉलेशन करवाते हैं और 1 मंथ का प्लान करवाते हैं तो आपको 1000 रुपए इंस्टॉलेशन के भरने पड़ेंगे, बट अगर आप 3 मंथ के, 6 मंथ के या फिर 12 मंथ के प्लान के साथ जाते हो एक ही बार में, तो ये जो 1000 रुपए है इंस्टॉलेशन के ये नहीं लगने वाले हैं। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के जो प्लान 3 साल पहले थे उसका रेट अभी भी वही है, वो सब सेम ही है, बट इंस्टॉलेशन चार्जेस के अंदर कुछ डिफरेंस आया है। बट अब आपको पोस्टपेड भी देखने को मिलता है और से कुछ लाइट प्लान भी हैं, आप उनको भी देख सकते हो, मैंने सभी के बारे में वीडियो बनाई है। सेकंड, स्पीड। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के रिव्यू में स्पीड एक काफी बड़ा टॉपिक हो जाता है क्योंकि मोस्ट लोग इसकी स्पीड को ही देखते हैं। मैंने इसका 40 Mbps वाला प्लान और 100 Mbps वाला प्लान दोनों ही यूज किए हैं और दोनों के अंदर काफी कमाल की स्पीड मिलती है और आपको जितनी बताई गई है उससे ज्यादा ही मिलेगी। जैसे कि फिलहाल मैं 40 Mbps वाला प्लान यूज कर रहा हूं और जो उसके अंदर स्पीड मिलती है ये आपको 50 Mbps, 80 Mbps या फिर 90 Mbps के आसपास ही देखने को मिलती है, और जो मैं पहले 100 Mbps वाला यूज कर रहा था उसके अंदर 120 Mbps या फिर इससे भी ज्यादा देखने को मिलती थी, यानी कि जितना ये बताते हैं उससे ज्यादा स्पीड आपको देखने को मिल ही जाएगी। इसके साथ एक और अच्छी बात है, वो है अपलोड स्पीड। काफी सारे इंटरनेट आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जिनमें डाउनलोड की स्पीड और अपलोड की स्पीड बराबर नहीं होती है, अपलोड की काफी कम होती है, बट इसके अंदर अपलोड की स्पीड भी बराबर देखने को मिलेगी। अगर आप गेमिंग करते हैं तो इसकी पिंग कैसी आने वाली है, तो मैंने इसके अंदर गेमिंग भी काफी ट्राई की है। अगर आप 1-2 यूजर हैं तो काफी अच्छी स्पीड आती है, कोई आपको लैग की समस्या देखने को नहीं मिलती है, बट अगर 40 Mbps वाले प्लान में यूजर काफी ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं तो स्पीड के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिलता है, बट वो इतना भी बड़ा ड्रॉप नहीं है। बट अगर आप एक सिंगल यूजर हैं, सिंगल गेम खेलते हैं या फिर एक और भी कनेक्ट है या फिर 2-3 और कनेक्ट है तो भी इसकी स्पीड ठीक ठाक आने वाली है, बट आपका जो प्लान है 40 Mbps से ज्यादा है यानी कि 100 Mbps का, तो काफी अच्छी स्पीड आने वाली है गेमिंग के अंदर भी। चाहे वीडियो एडिटिंग करते हो, ऑफिस का काम करते हो या फिर आपको कॉलेज के लिए या फिर स्टडी के लिए या फिर किसी भी काम के लिए चाहिए, इसकी डाउनलोड और अपलोड की स्पीड दोनों ही बढ़िया है, काफी ठीक ठाक इसकी पिंग रहने वाली है। स्पीड में आपको एक और समस्या देखने को मिल सकती है, वो ऐसी है कि आपको कई बार ऐसी इसकी स्पीड ड्रॉप हो जाती है, बट वो बहुत कम बार ही होता है, बट आप उसको फिक्स भी कर सकते हो। इसके लिए आपको एयरटेल ऐप के अंदर जाना है और इसको ऑप्टिमाइज कर लेना है। मैंने एयरटेल ऐप के बारे में पूरी वीडियो बना रखी है, आप कैसे फाइबर को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कैसे यूजर को मैनेज कर सकते हैं, आप उस वीडियो को देखना आपको पूरा समझ आ जाएगा, वहां पर मैंने स्पीड इंक्रीज करने के बारे में भी बताया है। 3 बेनिफिट्स। अब एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के साथ क्या कॉमन बेनिफिट आते हैं जो कि आपको भी देखने को मिल सकते हैं, तो सबसे पहले जो उसकी सर्विस है वो बिल्कुल फ्री में होने वाली है। अगर आपके राउटर के अंदर कोई समस्या आ जाए, वायर के अंदर समस्या आ जाए या फिर आपका चलना बंद हो जाए तो आप इनको कंप्लेंट कर सकते हैं, 121 पे कॉल कर सकते हैं या फिर एयरटेल ऐप से भी कंप्लेंट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में करने वाले हैं, कोई पैसा आपको नहीं भरना है। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के साथ आपको फ्री कॉलिंग भी मिलती है, वो फ्री कॉलिंग आपको ऐसे मिलती है, आपको एक लैंडलाइन का नंबर दिया जाएगा बट आपको कोई भी टेलीफोन नहीं दिया जाएगा, आपको इसको अलग से परचेस करना पड़ेगा, जो कि अगर आप बाहर से परचेस करोगे तो आपको 400-500 रुपए का ही मिल जाएगा, तो आप उसको लगाओगे तो आप फ्री में अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाओगे। वैसे तो एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के हर प्लान के अंदर आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, बट इसकी एक लिमिट भी है जो कि 3000 GB से ज्यादा की होने वाली है, बट 3000 GB काफी ज्यादा हो जाती है 1 मंथ के अंदर, तो आप कह सकते हो अनलिमिटेड ही मिलेगा। मेरा आज तक कभी भी 3000 GB खत्म नहीं हुआ है, इससे कम ही खत्म हुआ है, तो आपको अनलिमिटेड ही कह सकते हो। 4 प्रॉब्लम्स, अभी जानते हैं इसकी क्या समस्याएं हैं। इसका सबसे पहला है वो ये काफी ज्यादा महंगा है। अगर आप इसका 499 का प्लान देखोगे इसके अंदर 18% का GST अलग से ऐड होने वाला है, तो उसका जो फाइनल प्राइस है वो 589 हो जाता है। तो इसके जितने भी प्लान है सभी के अंदर GST ऐड होना पड़ेगा, उसके बाद इसका फाइनल प्राइस आने वाला है, जिससे थोड़ा सा महंगा हो जाता है।
बट जो आप लोकल वाईफाई देखोगे वो काफी ज्यादा सस्ते में मिल जाते हैं अगर आप इससे कंपेयर करते हैं। इसके मंथली प्लान में एक और समस्या है, आपको कोई भी ओटीटी या फिर टीवी चैनल का स्पॉट देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको ओटीटी चाहिए और टीवी चैनल भी चाहिए तो आपको इसके बड़े प्लान के साथ जाना पड़ेगा या फिर आपको इसके पोस्ट पेड के साथ जाना पड़ेगा। इसमें एक और समस्या है, कई बार जो इनकी सर्विस है वो डाउन हो जाती है, जैसे कि इनको मेंटेनेंस करना हो या फिर कोई टेक्निकल दिक्कत हो जाए, बट ये चालू भी हो जाती है, बट कई बार ये ज्यादा समस्या देखने को मिली है। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वर्सेस 5G सिम वर्सेस जियो फाइबर, इन तीनों में से कौन सा बड़े, क्योंकि आपको तीनों ही देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको जियो और एयरटेल दोनों की 5G सिम देखने को मिल रही है जिसमें अनलिमिटेड डेटा देखने को मिलता है, तो फिलहाल आपको फाइबर की जरूरत नहीं है अगर आपका 5G से ही काम चल जाता है, क्योंकि अनलिमिटेड डेटा आपको देखने को मिलता है और काफी ठीक हो जाता है। बट 5G के साथ एक समस्या ये है, जो अपलोड की स्पीड है वो ठीक नहीं आती है, काफी ज्यादा डाउन ही वो रहती है, तो इसमें समस्या हो जाती है। कई बार जो 5G का नेटवर्क है ये भी डाउन हो जाता है, कई बार वो ऑटोमेटिकली ही 4G के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर हम जियो फाइबर की बात करें, जियो फाइबर काफी अच्छा देखने को मिलता है। जो जियो फाइबर है इसका प्लान वो 399 का देखने को मिलेगा, अगर आप GST भी ऐड कर दोगे तो लगभग 470 के आसपास का ये प्लान हो जाता है। इसके अंदर आपको 30 Mbps मंथली देखने को मिलता है, और अगर आप 100 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ते हो तो आपको एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का मिलेगा, जिसके अंदर आपको 10 Mbps ज्यादा भी मिलेगा तो ये लगभग अंडर 600 रुपीज हो जाता है, जो कि 589 का है, तो लगभग सेम प्राइस ही आप इसका मान सकते हो। तो ये था एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, अगर आप 600 रुपए भर सकते हो तो काफी अच्छी सर्विस इसके साथ देखने को मिलेगी, स्पीड भी बढ़िया है। ओवरऑल आप इस वीडियो से समझ पाओगे और बाकी मेरे कंपैरिजन भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।